और आप वो नेक्स्ट आए सेल्वा। आणि बॅक्टेरियल सेल्वाल टोटली डिफरंट आ प्लांट सेल्वाल, यानी बैक्टीरियल सेल्वाल टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल्वाल। किया प्लांट सेल्वाल खान डिफरेंट आ, इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, शुगर, काइटिन, बट सेल्यूलोज इज कंप्लीटली मिसिंग। काइटिन बट सेल्यूलोज इज कंप्लीटली मिसिंग, यानी सेल्यूलोज मुकम्मल तौर ते आही ना उन करे या बूटन जी सेलवाल खां चाहे डिफरेंट। हाँ, सेलवाल बैक्टीरिया जी ठहल आ ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ यूनिक मैक्रो मॉलिक्यूल, जेके असा कंसीडर ता क्यों पेप्टाइडो ग्लाइकिन, पेप्टाइडो ग्लाइकिन जेमे ऑब्जर्व कयों ता पेप्टाइडो ग्लाइकिन में लॉन्ग ग्लाइकिन चेन्स क्रॉस लिंक विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, वड्यूं ग्लाइकिन चेन्स हन जेके जुड़ियल हन पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, उन सां गॾु शुगर मॉलिक्यूल, टिकोइक एसिड, इन सां गॾु शुगर मॉलिक्यूल्स, टिकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन्स ऐं लिपोपोली, लिपोप्रोटीन्स एंड लिपोपोलीसेकेराइड्स बि मौजूद। सम बैक्टीरिया लेक सेलवाल, कुछ में सेलवाल हुंदी ना है, एग्जांपल असा वठूं त माइकोप्लाज्मा एडो बैक्टीरिया है जे में सेलवाल हुंदी का नहीं का। उनका पो वरी आर्कियो बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया डू नॉट हैव पेप्टाइडो ग्लाइकिन, इनमें वरी पेप्टाइडो ग्लाइकिन ना। हाँ, जेकर असा फंक्शंस दिसों सेलवाल जा हिको
रिजिड डिटर्मिनेट द शेप ऑफ सेल. इट इज अ रिजिड डिटर्मिनेट द शेप ऑफ बैक्टीरिया. बियो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस. यानी बैक्टीरिया की हिफाजत कण पानी के प्रेशर के करे जेको टुटण आ उन का सेल वाल आना सेल मेम्ब्रेन खां बाहरे पासे दे उन खां पो नेक्स्ट आए सेल मेम्ब्रेन. हाँ सेल मेम्ब्रेन सेल वाल खां अंदर आ. सेल मेम्ब्रेन लाइज इनसाइड द सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन इट लाइज इनसाइड द सेल. यानी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल जे अंदरे पासे खाए. इट इज अटैच टू वॉल एट फ्यू प्लेसिस. या वॉल सा कुछ जगहों ते अटैच आ. इट इज अटैच टू वॉल विद फ्यू प्लेसिस. या वॉल सा अटैच आ कुछ जगहों ते. इनमें सुराख भी आहिन जाथा मटेरियल जी एक्सचेंज थी. इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. It is made up of lipids and proteins. या थयल आ lipids and proteins. Functionally असां ॾिसो act as a respiratory structure. It acts as a respiratory structure because mitochondria are absent. इन जो कम respiration कराइणा छो त mitochondria हूंदा ई ना आहिनि prokaryotic cell में mitochondria. उन खां पोइ cytoplasm. अने cytoplasm डीएनए मेम्ब्रेन के विच वारो हिस्सो साइटोप्लाज्म. यानी पोर्शन ऑफ सेल बिटवीन डीएनए एंड सेल मेम्ब्रेन. पोर्शन ऑफ सेल बिटवीन डीएनए एंड सेल मेम्ब्रेन. यो आहे किया इट इज ग्रेन्यूलर. याने बिल्कुल दानेदार मादुआ. हैविंग सिमाल वेक्यूल्स. नंढा वेक्यूल हैं. उनका अलावा ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स. राइबोसोम्स. ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गनेल्स आर एब्सेंट. सबई मेम्ब्रेन से ढकल ऑर्गनेल्स से कन हुए एब्सेंट. उनखां पो आहे मीजोसोम्स. हाँ मीजोसोम्स बेसिकली छाइन दे आर
invaginations of cell membrane, they are invaginations of cell membrane inside the cytoplasm. ये membrane जा उभरल हिस्सा है ना cytoplasm वाले पासे दे. Shape vesicle tube या lamina. They are in the form of vesicles, tube or lamina. And here vesicle ji shape a tube like an a lamina form. Yani Drennan forms mein. Functionally asa diso the DNA replication functions diso the DNA replication digestion cell division एंजाइम एक्सपोर्ट ये सभी कम मीजोसोम्स उनका को आ है न्यूक्लियोइड उनका को न्यूक्लियोइड अने न्यूक्लियोइड के असा प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस भी चौना है न्यूक्लियोइड के प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस चौना है कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए कंटेन जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल डीएनए हाणे यो डीएनए आहे किया सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल इट्स अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल हिकड़ो एंगोल मॉलिक्यूल आ डीएनए जो एग्रीगेट टू फॉर्म पान में जुड़ी करे टू फॉर्म इरेगुलर डेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन बॉडी डेंस स्ट्रक्चर ठाई दो जेके असा छा कंसीडर था क्यों क्रोमेटिन बॉडी या इन के बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी चाहिए क्रोमेटिन बॉडी या बैक्टीरियल क्रोमोसोम हाँ ये ट्रू क्रोमोसोम्स ना इन छोटा ट्रू क्रोमोसोम में डीएनए प्रोटीन भाई हुना नहीं तेरे को चाहे डीएनए टोटल एब्सेंस ऑफ टोटल एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोला ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना न्यूक्लियोलाया आए नई वरी न्यूक्लियोप्लाज्म उनका आपको लास्ट आए प्लाज्मिड हने प्लाज्मिड बेसिकली आए चा स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ
सिमाल फ्रेगमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेको कुछ बैक्टीरिया में मौजूद है। इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी हिनजी रेप्लिकेशन या डिवीजन होस्ट सेल जे रेप्लिकेशन या डिवीजन का इंडिपेंडेंट है। प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। हाने वेक्टर चवंदा आहियूं अहिड़ो डीएनए मालिक्यूल जंहिंमें असां फॉरेन जीन दाख़िल करे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तौर होस्ट सेल में दाख़िल कयूं उनखे असां कंसीडर कंदा आहियूं वेक्टर। पोइ ही सभई उहे स्ट्रक्चर्स हुयूं जेके बैक्टीरियल सेल सां कंसर्न।